वेलकम बैक आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है बच्चों। तो बच्चों आज आपके लिए एक्सरसाइज दिया गया है वीडियो एक्सरसाइज, आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आई डोंट नो हु इज ही, आई डोंट नो हु इज ही। सबसे पहले जो इसका रूल है वो क्या कहता है कि आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए, एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मिलाकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज को मिला करके क्या बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट नो हु इज ही, आई डोंट नो हु इज ही, तो इसको बनाएंगे आई डोंट डू नॉट नो हु ही इज। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हु ही, कि वह कौन है। दूसरा है, आई कैन नॉट से हैज ही कम, आई कैन नॉट से हैज ही कम। अब यहां पर है, सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे, आई कैन नॉट से, आई कैन नॉट से हैज ही कम। हैज ही कम मतलब कि वो आएगा या नहीं आएगा। अब यहां पर सिलेक्शन की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात होने पर आप इफ का यूज नहीं करके आप वेदर का यूज करेंगे, तो आप लिख देंगे वेदर ही हैज कम, वेदर ही हैज कम। जैसे नरेशन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से, टेल मी वेयर डज सी लिव, मुझे बताओ वेयर डज सी लिव। तो लिखेंगे टेल मी, टेल मी वेयर सी लिव्स, टेल मी वेयर सी लिव्स। नेक्स्ट है, इन्फॉर्म हिम व्हेन विल सी गो, इन्फॉर्म हिम सूचित करो, उसे सूचित करो, तो इन्फॉर्म हिम व्हेन सी विल गो, इन्फॉर्म हिम व्हेन सी विल गो, उसे सूचित करो कि वह कब जाएगा। डू यू नो व्हाट डज ही डू, तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल क्लॉज डू, क्या तुम जानते हो व्हाट डज ही डू, कि वह क्या करता है। तो डू यू नो, डू यू नो व्हाट व्हाट ही डज, डू यू नो व्हाट ही डज। बिल्कुल जैसे नरेशन में डब्ल्यू एच वर्ड लगाने के बाद सेंटेंस क्या कर देते हो, बिल्कुल सीधा करते हो, बिल्कुल उसी तरह से इसे भी बहुत ही आसान, बिल्कुल हलवा की तरह इसे खा लेना है। डू यू इन्फॉर्म मी, डू यू इन्फॉर्म इन्फॉर्म मी वेयर हैज सी गॉन, तो लिखेंगे वेयर सी हैज गॉन, वेयर सी हैज गॉन। समवन टेलीफोन मी, आई डोंट नो, किसी ने मेरे पास टेलीफोन किया, आई डोंट नो, मैं उसे नहीं जानता, नहीं जानता हूं। तो सबसे पहले इसमें आई डोंट नो, मैं नहीं जानता था, तो सबसे पहले प्रिंसिपल का आई डू नॉट, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो हु टेलीफोन, हु टेलीफोन मी, आई डू नॉट नो हु टेलीफोन मी। नेक्स्ट है, सी विल नॉट कम, आई डोंट नो हु, आई डोंट नो, तो यहां पर है सी विल नॉट कम, वह नहीं आएगी, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं।
लिखेंगे आई डू नॉट नो। अब यहां पर रीजन रिजल्ट की बात है तो यहां पर लिखेंगे रीजन के लिए व्हाई का यूज, व्हाई सी विल नॉट कम, नहीं जानता कि वह क्यों नहीं आएगी। ही इज इनोसेंट, आई एम कॉन्फिडेंट इट, लिखेंगे आई एम कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट के बाद अगर जो कोई भी कंजंक्शन आता है तो वो होता क्या है, दैट दैट इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट, ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक्स, आई बिलीव सो। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, आई बिलीव दैट, आई बिलीव दैट ही हैज कमिटेड मिस्टेक, ही हैज कमिटेड अ मिस्टेक। नेक्स्ट है सी हर्ड अ नॉइस, सी रेन आउट, सी हर्ड अ नॉइस, सी रेन आउट, तो उसने शोर सुना, सुनी, सी रेन आउट, वो दौड़ते हुए बाहर आई। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, सबसे पहले यहां पर जो काम हो रहा है उससे आवाज सुनने का हो रहा है और वो फिर सुनने के तुरंत बाद, मतलब दो काम एक साथ, जैसे ही उसने आवाज को सुना वो बाहर दौड़ते हुए आई। तो लिखेंगे हियरिंग हियरिंग अ नॉइस, हियरिंग अ नॉइस सी रैन आउट, इसको सिंपल सेंटेंस में बना दिया जाएगा, सी रैन आउट। नेक्स्ट है ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट गो अलोन, तो वह बहुत ही कमजोर है, ही कैन नॉट गो अलोन, इसलिए वो अकेले बाहर, मतलब अकेले नहीं जा सकता। तो लिखेंगे बीइंग बीइंग वेरी वीक, बीइंग वेरी वीक ही कैन नॉट गो एलोन, बहुत ही कमजोर है वो बाहर नहीं जा सकता। तो बीइंग वेरी वीक किसके कारण, कमजोर होने के, बहुत कमजोर होने के कारण ही कैन नॉट गो अलोन, वो बाहर अकेले नहीं जा सकता है। और दूसरी बात आपके मन में आ रहा होगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता क्या है, तो वह कंजंक्शन जैसे जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, कौन से प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं अगर वे किसी भी प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर देते हैं। या प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो किसी भी वाक्य की अगुवाई करता है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस या कोई भी क्लॉज जो वाक्य की क्या करता है, अगुवाई करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज कह देते हैं। दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज व्हाट व्हाई व्हेन वेयर दैट आफ्टर बिफोर बिकेज इटीसी, इन सब से जुड़े हुए क्लाज को क्या कह देंगे, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज कहते हैं। तो बच्चों इसे अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।